दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं और आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। बुलेट ट्रेन, इसके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, और 2014 के बाद तो इंडिया में बुलेट ट्रेन के न जाने कितने चर्चे हुए। गली गली में यही बात चलती थी कि बुलेट ट्रेन कब आएगी। कभी लोग इसकी तारीफें करते थे तो कभी रेलवे को कोसते थे। बुलेट ट्रेन का सपना तो हम सब ने देखना शुरू कर दिया था, पर हकीकत का कुछ पता नहीं था। पर अब सारी हकीकत सामने आ गई है और भारत में बुलेट ट्रेन चलाने का शिलान्यास भी हो गया है। अब एक बात तो तय है कि भारत में भी हवा की गति से चलने वाली बुलेट ट्रेन जरूर आएगी, और इसकी डेडलाइन है 2022 तक की। बुलेट ट्रेन आ तो रही है, पर ये बुलेट ट्रेन है क्या और किस तरह से ये इतनी तेजी से पटरियों पे दौड़ पाती है, इस वीडियो में हम इसी की बात करने वाले हैं। दोस्तों, बुलेट ट्रेन का जन्म जापान में हुआ था, और जापान में इसको शिनकांसेन ट्रेन के नाम से जानते हैं, और ये ट्रेन वहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। और बस वहाँ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस शिनकांसेन ट्रेन की चर्चा होती है। जापान में शिनकांसेन ट्रेन का जन्म 1964 में हुआ था, और अगर वर्ल्ड वॉर टू ना होता तो शिनकांसेन ट्रेन जापान में 1950s में ही दौड़ने लगती। खैर, बुलेट ट्रेन या शिनकांसेन ट्रेन का ट्रायल 30 मार्च 1963 में शुरू हुआ, और सफलता के बाद इसके दरवाजे आम पब्लिक के लिए 1964 में खोल दिया गया। इससे पहले जापान में तब नैरो गेज की ट्रेन चला करती थी जो बहुत स्लो होती थी। दोस्तों, इस शिनकांसेन ट्रेन या बुलेट ट्रेन के ट्रायल की एक अपनी कहानी है जो सच में किसी क्रिकेट मैच के फाइनल मुकाबले से भी ज्यादा रोमांचक था। 30 मार्च 1963 ट्रायल के दिन ट्रेन के ड्राइवर मैत्सु डायरो ने असफल होते बुलेट ट्रेन के ट्रायल को सफल बनाया था। ट्रेन धीरे धीरे 100 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ने लगी। तब जैसा कि सोचा गया था, व्हील्स में हंटिंग मोशन स्टार्ट हो गया और ट्रेन हिलने लगी। उस वक्त सभी का यही मानना था कि ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक को लगा देना चाहिए, पर मैत्सु डायरो ने वेट किया और उन्हें यह भरोसा था कि व्हील्स में लगे स्प्रिंग इस झटके को अब्सॉर्ब कर लेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ट्रेन 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलने लगी, और वो भी एकदम मक्खन जैसी स्मूथ। नई शिनकांसेन ट्रेन 200 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड में चलने में सक्षम थी। जापान में सबसे पहले जीरो सीरीज के शिनकांसेन ट्रेन चलाई गई। ये ट्रेन 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में सक्षम थी, पर इसे 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाया जाने लगा। उस वक्त फ्रांस की ट्रेन मिस्ट्रेल दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन थी जो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती थी। शिनकांसेन के आने के बाद ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन बन गई। बुलेट ट्रेन या शिनकांसेन ट्रेन का नाम सुनते ही हमें स्पीड, प्रिसीजन और सेफ्टी का ख्याल आता है। चलिए इन सभी को एक एक करके देखते हैं। बुलेट ट्रेन को स्पीड उसकी एरोडायनेमिक लुक, हल्की बॉडी और व्हील्स के कारण मिलती है। पहले बुलेट ट्रेन के इंजीनियर्स उस वक्त जापानीज प्लेन को डिजाइन करते थे, और शिनकांसेन ट्रेन को बनाने के लिए उन्होंने प्लेन से इसे एरोडायनेमिक लुक दिया ताकि हवा को चीरते हुए ये बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकें। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं पहले बुलेट ट्रेन के एरोडायनेमिक लुक को। अब एरोडायनेमिक होने के बाद ट्रेन के वेट की बात करते हैं। ज्यादा वेट होने से ट्रेन की स्पीड पे और ट्रैक्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए बुलेट ट्रेन में हल्के मटेरियल्स का यूज हुआ, और बाद में नई जनरेशन वाली शिनकांसेन ट्रेन में एल्यूमिनियम का यूज हुआ जिसके कारण ट्रेन हल्की हुई। दोस्तों, एक और रोचक चीज इस शिनकांसेन ट्रेन की ये है कि इसमें कोई लोकोमोटिव नहीं होता, यानी ट्रेन में कोई भारी भरकम इंजन आगे की तरफ नहीं होता जिसके कारण ट्रैक्स पर कम दबाव पड़ता है। बुलेट ट्रेन के हर पहिए में मोटर लगे होते हैं जो उसे पावर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने EMU ट्रेन्स के बारे में जाना था जिसको हम मल्टीपल यूनिट्स कहते हैं। एक पावर सोर्स ना होके सभी व्हील्स को अलग अलग मोटर से चलाने में ट्रेन को बेहतरीन एक्सेलरेशन मिलती है, और बड़ी ही कम वक्त में ये ट्रेन अपनी टॉप स्पीड में पहुंच सकती है। एक बात और दोस्तों, जब कोई ट्रेन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में दौड़ती हो तब उसके व्हील्स में कुछ मोशन होते हैं जिसको हम हंटिंग मोशन कहते हैं। इसके कारण अंदर बैठे यात्रियों को वाइब्रेशन महसूस होता है, और कभी कभी तो ज्यादा मोशन होने के कारण ट्रेन डिरेल भी हो सकती है। इसको दूर करने के लिए इन बुलेट ट्रेन्स के व्हील्स के पास स्प्रिंग और एयर सस्पेंशन का यूज होता है जिससे 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी मक्खन जैसी स्मूथ राइड मिलती है। अब ये तो बात हुई स्पीड की, अब बात करते हैं सेफ्टी की। 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली बुलेट ट्रेन कितनी सेफ होती है और इनका सिग्नलिंग सिस्टम कैसे काम करता है।
एक बात तो पक्की है कि इतनी तेज रफ्तार में ट्रेन का ड्राइवर बाहर लगे साइन बोर्ड को नहीं पढ़ सकता, और जब तक वो उसको पढ़ता है तब तक बहुत देर हो सकता है। इसीलिए बुलेट ट्रेन में कोई बाहर की तरफ सिग्नलिंग सिस्टम नहीं यूज होता है। यहाँ पे ऑटोमेटेड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम का यूज होता है जो ट्रैक्स के नीचे लगे होते हैं। ट्रैक्स को 1 या 2 किलोमीटर के ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है और उसके नीचे ये ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है जिसमें सेंसर्स लगे होते हैं। अब जैसे कोई ट्रेन इसके ऊपर से गुजरी, इस ट्रेन के ऊपर से गुजरने के बाद अगर उसी वक्त पीछे से कोई ट्रेन आए तो ये सिस्टम पीछे आने वाली ट्रेन को एक इन्फॉर्मेशन भेजती है अपनी स्पीड कम करने के लिए, और ये बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है जिसके कारण दो ट्रेन्स के कॉलिजन की संभावनाएं एकदम ना के बराबर हो जाती है। इतना ही नहीं, इसके ट्रैक्स को एक स्पेशल ट्रेन जिसको डॉक्टर येलो के नाम से जानते हैं उससे इंस्पेक्शन होता है। इस ट्रेन में हाई पावर कैमरास लगे होते हैं जो ट्रैक्स की निगरानी करते हैं, साथ में ट्रैक्स की नियमित जांच भी होती है, जिस कारण से बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे सेफ ट्रेन बन जाती है। जन्म के वक्त से लेकर आज तक की शिनकानसेन ट्रेन या बुलेट ट्रेन किसी हादसे का शिकार नहीं हुई, जो इसकी सेफ्टी का एक जीता जागता प्रमाण है। स्पीड की बात हो गई, सेफ्टी की बात हो गई, अब आप ये जान लें कि दुनिया की सबसे पंक्चुअल ट्रेन में बुलेट ट्रेन या शिनकानसेन ट्रेन का नाम पहले आता है, क्योंकि ये ट्रेन कभी लेट नहीं होती। अगर होती भी है तो 40 सेकंड से ज्यादा लेट कभी नहीं हुई। लेट होने की बात से एक बात याद आई कि मैंने अपने पिछले वीडियो में एक बात बताई थी कि ज्यादातर ट्रेन्स कर्व ट्रैक होने के कारण अपनी स्पीड को स्लो कर लेते हैं जिसके कारण समय की बर्बादी होती है। जापान में ये शिनकानसेन ट्रेन भी कर्व ट्रैक्स पर चलती हैं, पर वहाँ पे ये अपनी स्पीड कम नहीं करती क्योंकि इसकी डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया गया है कि ये कर्व ट्रैक्स पर भी टिल्ट हो जाती हैं, जिसके कारण कर्व ट्रैक्स होने के बाद भी ये अपनी स्पीड को कम नहीं करती। दोस्तों, जापान में बुलेट ट्रेन की कई सारे नए मॉडल्स आए, जैसे 0 सीरीज, 100 सीरीज, 300 सीरीज, 500 सीरीज, 700 सीरीज और लेटेस्ट N700 सीरीज, जो 300 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड में चलने में सक्षम है। ये अलग अलग तरह के बुलेट ट्रेन्स जापान में अलग अलग रूट्स पर चलाए जाते हैं। भारत में जिस बुलेट ट्रेन के आने की संभावना है वो N700 सीरीज है, क्योंकि भारत में 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड में बुलेट ट्रेन चलेगी। ऐसे में ये N700 सीरीज की शिनकानसेन ट्रेन या बुलेट ट्रेन का नाम पहले आता है। दोस्तों, बुलेट ट्रेन भारत का ही नहीं बल्कि दूसरे देशों का भी एक सपना है। जापान के बाद बुलेट ट्रेन ताइवान, चाइना, USA और बाकी देशों के बाद भारत में भी बुलेट ट्रेन का सपना अब पूरा होते दिख रहा है, और जल्दी ही अहमदाबाद और मुंबई के बीच ये दौड़ने लगेगी। हर दिन 35 बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई और मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी, और जिस सफर को पूरा करने में पहले 7 से 8 घंटे लगते थे, वही बुलेट ट्रेन के आने के बाद ये सफर 2.5 घंटे से 3 घंटे का हो जाएगा। दोस्तों, काम तो शुरू हो गया है पर रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत में अहमदाबाद मुंबई रूट पर ये बुलेट ट्रेन 92% जर्नी एलिवेटेड ट्रैक पर करेगी, जो कि एक अच्छी बात है, पर साथ ही साथ ये एक कड़ी चुनौती भी है। जमीन के अंदर 21 किलोमीटर लंबी सुरंग और समुद्र में 7 किलोमीटर का लंबा टनल बनाना भी एक जोखिम भरा काम है। अब देखते हैं कि इन सब चुनौतियों से इंजीनियर्स कैसे निपटते हैं। अहमदाबाद मुंबई के बाद दूसरा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर दिल्ली टू अमृतसर के बीच शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी इसके आने में बहुत वक्त है। अगर बात करें बुलेट ट्रेन के फायदे की, तो सबसे पहले हमें एक फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलेगा जिसके कारण हम अपने समय की काफी बचत कर पाएंगे। दूसरा, बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से लगभग 15 लाख नए जॉब्स के अवसर खुलेंगे और इसके मेंटेनेंस के लिए 4000 नए जॉब्स क्रिएट होंगे। अब देखते हैं बुलेट ट्रेन हम सभी के लिए और क्या नई चीजें लेकर आती है। आगे जो भी हो, पर इतना तो तय है कि ये मशीन दुनिया के कुछ अनोखे इन्वेंशन में से एक है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। जापान में बुलेट ट्रेन पिछले 60 सालों से अपनी सेवाएं दे रही हैं और अभी तक कभी भी किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हुई है। जापान में अक्सर अर्थक्विक आते रहते हैं, पर ट्रैक्स पर लगे अर्थक्विक डिटेक्शन सेंसर्स के कारण ट्रेन अर्थक्विक आने से पहले ही रुक जाती है। हमारे यहाँ तो अर्थक्विक का कोई चक्कर नहीं है, पर आए दिन हमारी ट्रेन्स डीरेल होती रहती हैं। बुलेट ट्रेन भारत में बहुत सक्सेसफुल हो और भारत सफलता के नए नए झंडे गाड़े, हम सबकी तो यही कामना है। दोस्तों, भारत में बुलेट ट्रेन तो अब सपना नहीं है, पर अभी भी भारतीय रेलवे में एक सुरक्षित सफर हम सभी के लिए एक सपना ही है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दें, और अगर कुछ गलतियां हो तो उसके लिए माफ कर दें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।